हिस्ट्री गुरु 99 में एक बार सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। मैं आज आपको अपना विज्ञान कक्षा 10 क्रैश कोर्स का दूसरा दिन, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरी विज्ञान जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम आज अपना पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले पाठ एक का जो पहला वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, मैं केवल और केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी वीडियो बनाऊंगा परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाऊंगा, केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में ज्यादा आने के चांस है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। क्या करना है भाई, निम्न समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, संतुलित करने के लिए सबसे सरल तरीका होता है कि जो हमारे अभिकारक होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बेटा, अभिकारक होते हैं, ठीक है, और जो हमारे उत्पाद होते हैं, तो उन दोनों की संख्या को क्या कर दें, बराबर कर दें। उन दोनों की संख्या को क्या कर दें भाई, बराबर कर दें, वही हमारा क्या कहलाता है, तो वही हमारा संतुलित समीकरण कहलाता है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा, एक तरफ मैं लिखे ले रहा हूं अभिकारक, ठीक है, और एक तरफ मैं लिखे ले रहा हूं बेटा उत्पाद। समझ में आया ना, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, HNO3 अम्ल है, क्या बेटा, अम्ल है, ठीक है, और CaOH का होल ट्राइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CaNO3 का होल ट्राइस प्लस H2O। मैं एक चीज बता दूं, हमें बैलेंस करना है, ज्यादा डिटेल नहीं क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है, केवल बैलेंस करना सीखिए, बाकी तो आप इनका नाम जानते ही होंगे, ठीक है, बात समझिएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर H की संख्या अभिकारक की तरफ कितनी है, एक इसमें है, और यहां पर कितने हैं बेटा, तो यहां पर H की संख्या 2, ठीक है, दो यहां से और एक यहां से, तो 2 × 1 कितना आ जाएगा बेटा, H की संख्या 3। इसके बाद बेटा लिख लेंगे N, क्या लिख लेंगे भाई, N, N की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा N की संख्या कितनी है बेटा, 1, और इसके बाद बात करें O, तो O की संख्या यहाँ 3 और 3 और इसमें 2, तो 3 × 2 कितना होगा, हो गया भाई 5, और यहाँ पर CA की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा CA की संख्या कितनी है बेटा, तो CA की संख्या है 1, CA की संख्या कितनी बेटा, 1। उत्पाद की तरफ मिलाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा H, सबसे पहले H लेते हैं, तो H की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो H की संख्या है बेटा 2, H की संख्या कितनी 2। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट समझिएगा, N, तो N, N की संख्या कितनी है, तो देखिएगा N में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है 2, तो N की संख्या कितनी 2। ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट, अगला है बेटा O, तो O, O की बात करें तो 3 तो ये है O, और 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 × 1 कितना हो जाएगा बेटा 7, कितना हो जाएगा भाई 7। ध्यान रखिएगा अगला पॉइंट, अगला है बेटा CA, क्या है भाई CA, बात करें तो CA, तो CA की संख्या कितनी 1, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इनको बैलेंस कर लें, बस वही सबसे बड़ी हमारी खूबी होती है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर H की संख्या कितनी 3, और यहाँ पर H की संख्या कितनी 2, क्या बैलेंस है, नहीं है। क्या यहाँ पर देखा जाए तो N 1, यहाँ पर N कितने हैं 2, तो सबसे पहला आपका कर्तव्य यहीं से मिल रहा है कि जो हमारे इधर के N होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो आपको इसमें कितने का गुणा करा दें, 2 का यदि मैं गुणा करा दूं इसमें तो ये 2 हो जाएगा, तो मैंने क्या कराया यहाँ पर, कितने का गुणा करा दिया, यहाँ पर मैंने 2 का गुणा करा दिया अभिकारक की तरफ, और जैसे ही मैंने 2 का गुणा कराया तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, H यहाँ से मिल जाएगा 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा 2, यानी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो H की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा H की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, तो H की संख्या हो जाएगी 4, H की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा 4, और N, N की संख्या कितनी हो जाएगी, तो N की संख्या हो जाएगी बेटा 2, N की संख्या कितनी हो जाएगी 2। ध्यान से समझिएगा, पहले हमारे H कितने थे, तो पहले हमारे H थे बेटा 3, परंतु इनको जब हमने सही किया तो कितने हो गए,
जब इनको सही क्रम से रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, चार। पहले हमारे एन की संख्या कितनी थी, एक, और जब हमने इसको सही किया तो कितने हो जाएंगे बेटा, दो, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर एन कितने थे, एक, यहाँ पर एन और हो कितने गए बेटा, तो दो हो गए, और यहाँ पर एन कितने हैं, तो यहाँ पर दो हैं। आगे देखिएगा ओ की बात करें तो तीन दुना कितना हो जाएगा, छह, और छह दो आठ, तो यहाँ पर ओ बदल कर कितने हो गए, आठ, कितने हो गए, आठ। सी ए की संख्या कितनी है, तो सी ए की संख्या तो एक ही है। ध्यान रखिएगा इधर अब कम क्या है, तो ध्यान रखिएगा इधर यहाँ पर दो एच है, यहाँ पर एच कितने हो गए, चार। तो हमारा कर्तव्य बनता है इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दें, ध्यान रखिएगा इसमें यदि मैं बेटा दो का मल्टीप्लाई करा दूं तो ध्यान रखिएगा दो की एच की संख्या कितनी हो जाएगी, दो दुनी चार हो जाएगी, और एन, एन तो भाई कितने हैं, दो हैं, सही है। इसके बाद ओ की संख्या है सात, देखिएगा, परंतु जैसे ही मैंने यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कराया तो क्या हो जाएगा, दो कितना हो जाएगा बेटा, दो और तीन दुनाई छह, तीन दुनाई छह, और छह एक तीन दुनाई छह, छह दो कितना हो जाएगा, आठ। तीन दुनाई छह दो कितना हो जाएगा, आठ। एक बार बैलेंस कराकर देख लीजिएगा, देखिएगा एच के कितने, चार, एच के कितने, चार, एन के कितने, दो, एन के कितने, दो, ओ के कितने, आठ, ओ के कितने, आठ, सी ए के कितने, एक, सी ए के कितने, एक। कठिन नहीं होता, जब करेंगे तो आपको बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। आगे देखिएगा इसी का अगला, थोड़ा स्पीड में लेकर चलते हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा आपको समझना है, नहीं फिर टॉपिक पूरे नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखिएगा अगला है NaOH, क्या है बेटा NaOH, तो ध्यान रखिएगा अभिकारक और एक तरफ क्या डालेंगे बेटा, उत्पाद। अगर पेपर में आप ऐसे ही करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है NaOH, क्या कह रहा है बेटा NaOH प्लस H2SO4, तो यहाँ पर Na, तो Na अभिकारक की तरफ कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा Na अभिकारक की तरफ एक, O अभिकारक की तरफ एक, ये और चार, ये चार एक कितना आ जाएगा, पांच। H की बात करें तो H एक, ये और दो, तो कितने आ जाएंगे, तीन। इसके बाद और क्या, S की बात करें तो कितना, एक। ध्यान रखिएगा उत्पाद की तरफ Na, तो सबसे पहले Na, तो यहाँ पर देखो Na कितना है, दो, कितना है Na, दो। यहाँ पर आगे देखो O की बात करें, चार, चार एक कितना, पांच, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे बात करें H, तो H की संख्या यहाँ पर कितनी है, H की संख्या बेटा दो। S की संख्या कितनी है, तो एक। ध्यान से समझिएगा, केवल और केवल एक चीज इसमें दे दिया उसने, क्लू क्या दिया, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उसने क्लू एक छोटा सा दे दिया, क्या Na की संख्या है यहाँ दो, यहाँ पर Na की संख्या कितनी, एक। तो हमारा कर्तव्य बनता है Na में कितने का मल्टीप्लाई करा दें, तो ध्यान रखिएगा Na में कितने का मल्टीप्लाई करा दें, तो ध्यान रखिएगा Na में दो का मल्टीप्लाई यदि मैं करा दूं तो ये बैलेंस हो जाएगा। देखिएगा कैसे, जैसे ही मैंने कराया तो ये आ जाएगा टू, ठीक है। ओ की संख्या यहाँ पर बढ़कर देखो दो, ये और चार दो, तो चार दो कितने हो जाएंगे, छह। और एक चीज बता दे, ये अधिकतर सम संख्या में ही रहते हैं, ये अधिकतर किसमें ही रहते हैं, देखो अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु अधिकतर किसमें रहते हैं बेटा, सम संख्या में ही रहते हैं। तो देखो यहाँ पर ओ दो और चार दो कितना हो जाएगा, छह। एच की संख्या यहाँ पर दो, ये और दो, ये दो दूनी कितना आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा चार। एस की संख्या कितनी, तो एक। आगे देखिएगा इधर बैलेंस करते हैं, Na तो बराबर हो गया, परंतु O क्या बराबर है, नहीं है। तो एक काम करिएगा ना, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, दो का मल्टीप्लाई। जैसे मैं यहाँ पर दो का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, O यहाँ से दो और चार दो कितना हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा बदल कर कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। इसी प्रकार एच, दो दूनी चार, दो दूनी कितना हो जाएगा बेटा, चार, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार। अब एक बार बैलेंस कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा Na की संख्या दो, Na की संख्या दो, O की संख्या छह, O की संख्या कितनी, छह, बिल्कुल। H की संख्या चार, H की संख्या कितनी, चार। S की एक, S की कितनी, एक, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे थोड़ा स्पीड में करना है, आगे देखिएगा अगला, बिल्कुल आप अच्छे से समझिएगा तो हर एक चीज समझ में आएगी, अन्यथा ठीक है समझते हो, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। देखिएगा आगे NaCl, क्या बेटा Na, मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन देना, आपका काम है उस डायरेक्शन को आगे तक ले जाना, ठीक है, सॉरी। आगे देखिएगा Na, तो Na की बैलेंस कितनी है, एक। Cl
ध्यान रखिएगा, सीएल तो सीएल और कहीं तो नहीं है तो सीएल भी एक, एजी ठीक है, एजी एजी एक है, एन एन की संख्या कितनी है, सॉरी थोड़ा मैंने ज्यादा बड़ा कर दिया इसको और थोड़ा छोटा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि तत्व तो ज्यादा है इसमें, तो आ जाएगा एन ए, एन ए की संख्या एक, सीएल सीएल की संख्या एक, एजी एजी की संख्या एक, एन एन की संख्या एक, ओ की संख्या तीन, ठीक है। इधर लिखते हैं एजी सीएल एन ए एजी सीएल एन और क्या बेटा ओ, तो इधर एन ए की संख्या कितनी लिख दिया पूरी, इधर एन ए कितने एक, इधर इधर बात की जाए तो एजी कितना एक, इधर बात की जाए सीएल कितना एक, इधर बात की जाए एन कितना तो एक, ओ कितना तो तीन। एक बार चेक कर लेते हैं, वाह ये तो भाई संतुलित समीकरण है, ये कैसा समीकरण है बेटा, तो ये आपका कैसा समीकरण है तो संतुलित समीकरण है, कैसा समीकरण है बेटा संतुलित समीकरण है, ठीक है। इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये आपका कैसा समीकरण भाई संतुलित समीकरण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा पेपर में कभी कभी संतुलित समीकरण भी आ जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि उसको हमें संतुलित करना पड़े, समझ में है ना। आगे देखिएगा नेक्स्ट, ठीक है चौथा नंबर समझिएगा, कह रहा है एक तरफ डालेंगे अभिकारक और एक तरफ डालेंगे उत्पाद, ठीक है। अभिकारक की तरफ बी ए, फिर बेटा सीएल एच एस, इसके बाद ओ, बी ए सीएल एच एस ओ। तो ध्यान रखिएगा यहां पर देखा जाए तो बी ए, बी ए की संख्या एक, सीएल सीएल टू, तो यानी सीएल की संख्या कितनी दो, ध्यान रखिएगा एच एच की संख्या दो, एस की संख्या एक और ओ ओ की संख्या चार, ठीक। इसी प्रकार यहां पर बी ए की संख्या एक, सीएल की संख्या कितनी है एक, एच एच की संख्या कितनी एक और एस एस की संख्या कितनी एक, ओ ओ की संख्या कितनी चार, समझ में आया ना। अब एक बार बैलेंस करते हैं, यहां पर गौर से देखो बी ए एक है बराबर है, सीएल यहां पर दो वहां पर कितना एक, गलत है, ठीक है। तो एक काम करेंगे सीएल उधर के सीएल में दो का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यानी यहां पर दो का क्या करा दे बेटा मल्टीप्लाई, जैसे ही मैंने दो का मल्टीप्लाई कराया तो एच की संख्या कितनी हो गई, इधर एच की संख्या भी कितनी हो गई बेटा दो। अब एक बार बैलेंस करते हैं सीएल कितना हो गया दो, ठीक है, देखो पूरा का पूरा क्या हो गया बराबर हो गया। बस बेटा ऐसे ही किया जाता है, जब मेहनत करोगे तो आपको आएगा अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों मैं आपको अपना पहला क्वेश्चन मैंने बता दिया था, इसी प्रकार एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल के रूप में मैं बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में आने की, इस बार इसके बहुत अच्छे चांस है और इसमें आप लोग बहुत अच्छी चीज भी सीखेंगे। देखिएगा कह रहा है जुगनू रात में क्यों चमकते हैं, भाई जुगनू जानते हो ना जुगनू, ठीक है, रात में चमकते हैं क्यों चमकते हैं, देखिएगा दरअसल जो जुगनू होता है बेटा क्या होता है बेटा जुगनू होता है उसमें एक ल्यूसीफेरस, क्या बेटा ल्यूसीफेरस, ये दरअसल एक प्रकार की प्रोटीन होती है, दरअसल ये एक प्रकार की क्या होती है बेटा प्रोटीन होती है, बात समझिएगा, ये एक प्रकार का प्रोटीन या रसायन बोल सकते हैं, जो ल्यूसीफेरस है यह एक प्रकार की प्रोटीन, क्या बेटा प्रोटीन या एक प्रकार का रसायन होता है, या देखिएगा उसमें लिखा भी है कि जुगनू में ल्यूसीफेरस प्रोटीन यानी ल्यूसीफेरस नाम का एक रसायन पाया जाता है, इसी कारण वह रात में क्या करता है बेटा चमकता है, इसी कारण जुगनू क्या करता है बेटा रात में चमकता है। मैं आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट लेके आया हूँ, फिर से समझ लीजिएगा जुगनू रात में क्यों चमकता है, तो आपको जवाब क्या देना बेटा तो ल्यूसीफेरस नामक रसायन के कारण क्या जुगनू चमकता है, किसके कारण ल्यूसीफेरस रसायन के कारण जुगनू हमारा क्या करता है भाई चमकता है, ठीक है। केवल नर जुगनू में, पॉइंट समझिएगा, केवल नर जुगनू में पंख पाए जाते हैं, बात समझिएगा, केवल नर जुगनू में पंख पाए जाते हैं, इसी कारण वह उड़ते समय जलता है, इसी कारण वह किस समय जलता है बेटा उड़ते समय जलता है, परंतु मादा जुगनू में पंख नहीं होते हैं इसीलिए वह अपनी जगह में चमकते हैं, बात समझिएगा। मैंने अपनी लाइफ में पहली यानी जीवों की प्रणाली में पहली महिला देखी जो शांत है, नहीं
मलेरिया का वायर, मलेरिया का मच्छर देखो तो ठीक है, मलेरिया का मच्छर कौन है भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, पर मैं बता दे रहा हूं, मादा एनाफिलीज, ठीक है, मादा महिला है, तो महिलाएं वैसे भी क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं, डेंगू तो मादा इजिप्ट, बात समझिएगा, मादा इजिप्ट, इसी प्रकार बहुत सारे, कालाजार एक बुखार होता है, ठीक है, जिसको जो सैंड फ्लाई के द्वारा फैलता है, फाइलेरिया, ये सब मादा के द्वारा फैलते हैं, ठीक है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा कि जो कोई मादा जीव होता है वो थोड़ा शांत है, ठीक है, पहली बार, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, मादा जुगनू में पंख नहीं होते, इसीलिए वह कहां पर चमकते हैं बेटा, अपनी जगह पर चमकते हैं, और जो हमारे नर जुगनू होते हैं उनमें पंख पाए जाते हैं, इसीलिए उड़ते समय यानी उड़ते समय जलते हैं, समझ में आया ना, ठीक है।